बंद चाय बगान में श्रमिकों की मौत का सिलसिला जारी है। चाय बगान बंद रहने से आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे बंद रायमाटांग चाय बगान में यह मौत का सिलसिला देखा जा सकता है। शनिवार चाय बगान में फिर से दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। मृत चाय श्रमिक का नाम जिस्म मुंडा एवं लोदो लोहार है। इस घटना से चाय बगान में शोक का माहौल बन गया है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि चाय बगान का काम चले जाने के बाद अभी तक उन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिला है, फलस्वरूप वे काफ़ी तंगी से जूझ रहे थे। बगान बंद रहने के कारण उनका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। परिस्थिति तो बहुत ही ख़राब है यहाँ का। मैं जब से यहाँ आके देख रहा हूँ, यहाँ किसी चीज़ का भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। पहली बात तो बगान बंद है, यहाँ खाने पीने से लेकर के हर चीज़ का तंगी हो रहा है। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि मेरा जो ससुर जी है, उनका कोई ना घर है ना बार है, ना कोई इंदिरा आवास मिलता है। प्रशासन से कोई देख रेख नहीं है। हम चाहते थे कि भाई प्रशासन कोई हमें देखे, थोड़ा घर बार हो, इंदिरा आवास मिले, कुछ नहीं है। कंपनी से हम चाहते थे कि कंपनी देखे, कंपनी से भी कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मतलब ये बुज़ुर्ग हालत में रिटायर हुए, ना इनका ग्रेजुएटी मिला, ना फंड मिला। ये खाली मेरे ससुर जी वाला बात नहीं है, मेरे ससुर जी जैसे बहुत ही लोग हैं जिनको ये सब चीज़ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला बगान से? कुछ भी बगान से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता है। वो ठीक से ट्रीटमेंट भी कराया नहीं? ना ट्रीटमेंट है, यहाँ बगान बंद है, ना हॉस्पिटल में एक ना बुखार का दवाई मिलता है, ना एक जुकाम का दवाई मिलता है। जो भी हमें पर्सनली प्राइवेट खरीद के खाना पड़ता है। अच्छा, बस मतलब कंडीशन बहुत ही खराब, कंडीशन बहुत ही ख़राब है इस बगान का। मैं चाहता हूँ कि अगर ये सभी देख रहे हो तो वो मतलब इस बगान के ऊपर लुकआउट करे। बगान बंद हुआ, 4 महीना पार हो गया। अब ये हम लोग का यहाँ पे रायमाटांग चाय बगान, कालचीनी रायमाटांग बुगिनबारी, यहाँ पर बहुत हम लोग का आर्थिक अवस्था बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है, अब मैंने हम लोग को गाड़ी भी नहीं दे रहा है, यहाँ से सुविधा सुख सुविधा कुछ नहीं है। कल मेरा भैया आज में देहांत हो गया, मैंने गाड़ी के कमी के कारण कल में ले गया था निमकी हॉस्पिटल, वहाँ पे जो हम लोग का ये है लोथाबड़ी, वहाँ पे ले गया था। वहाँ से रेफर किया अलीपुर, तो अलीपुर बोलने से तो वहाँ तक जाने के लिए तो पैसा लगेगा ना। अब पैसा कहाँ से व्यवस्था करें जब बगान बंद है, खाने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी में ले जाने का। मेंटेनेंस करके ले गए थे, फिर बाद में क्या हुआ, शाम को सुबह 4 बजे, सुबह का 4 बजे टाइम में ले गए थे। उसके बाद में अभी अलीपुर ले गए थे, 9 बजे करीब उसका देहांत हो गया। वो बगान का अभी अभी केवल ये हुआ था, मैंने सरदार बनने के लिए मैंने बैदार हुआ था, लेकिन बगान तो बंद है। वो सरदार बैदार होने से भी कुछ उसका मतलब नहीं है। बगान बंद होने से उसका क्या मतलब है? उसका ना कुछ मिलेगा, ना पीएफ, ना क्या कुछ भी तो नहीं है। पीएफ फंड सब कुछ नहीं है यहाँ पर, बगान का खोलने का कुछ व्यवस्था नहीं करता है। खाली एकदम कुछ व्यवस्था नहीं, खाने के आंधे हो गए क्या बोले।